हाँ, बताइए राम कुमार जी, क्या हाल चाल है। और सब ठीक है भैया। मैं राम कुमार गुप्ता, थाना नवाबगंज, जिला गोंडा, चौकीदार हूँ। जिला गोंडा, चौकीदार संघ जिला अध्यक्ष। जी, बताइए। भैया, ऐसा है कि जो हमारे कर्मचारी आपकी आपकी बुराई कर रहे हैं या बुराई बतवा रहे हैं, आप किसी से कुछ मतलब ना रखिए। ऐसा है कि अगर आप चौकीदार के लिए भाड़ा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर से उधर पैसा भी खर्च करके जाते हो गाड़ी से, खर्चा जो होता है पैसा जो होता है, अगर आपकी ऊपर कोई आफत आ जाए, अगर कोई आपको पुलिस दरोगा अरेस्ट कर ले, तो कोई चौकीदार दम नहीं है कि आपको जाके छुड़ा दे। वो तो हमें दिख भी रहा है, नजर आ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी ये कुछ ही 5-6 दिनों से मैं देख रहा हूं धीरे धीरे बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिनों दिन इस तरीके से गलत गलत कमेंट करते हैं लोग, क्या हम बोल रहे हैं उनको। और सुन लीजिए आप हमारी बात, कि आप जानते हैं कि जो जितना गुमनाम होता है उसका ही उतना नाम होता आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा बोलिए दोबारा से। है। जैसे जो जितना बदनाम होता है उसका ही उतना नाम होता है। वो तो पता ही है कि देखिए, अच्छाई की जगह बुराइयां भी होती हैं, और जब व्यक्ति बुराइयां करता है तो कहीं ना कहीं वो भी एक भागीदारी होते हैं सफल बनाने में। बस ऐसा है कि चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे सपा की आए, चाहे बीएसपी की आए, चाहे कांग्रेस की आए, अगर जो सरकार आएगी वही हमारा सरकार है। हम उससे लड़ेंगे और झगड़ा भी करेंगे, अपना हक हक और अधिकार मांगेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बात बताइए, मैं अगर यहाँ कोई सच्चाई बोल दूँ, भाई बीजेपी सरकार फिर से दोबारा बनते दिख रही है, तो मैंने चैनल पे बोला। अब जब आप लोगों की इको गार्डन में लड़ाई में लग रहा था, आज भी वीडियो मौजूद है, जब हम उसमें योगी जी को चेतावनी दिए थे कि योगी जी गद्दी छोड़ दो अगर चौकीदारों का भला नहीं किया, तो जब चेतावनी दी तब ये लोग बड़ा खुश हो रहे थे। मतलब यार, हर समय इनके लिए मैं सरकार का गुलाम नहीं हूं। मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार का गुलाम हूं। सरकार वो बीजेपी को चाहे किसी की भी हो, उसको घेरा जाएगा, उससे ही बात की जाएगी, तो उसमें कोई राजनीति करने की बात ही नहीं। लेकिन लोग हमको बता रहे हैं कि मैं बीजेपी का हूं, मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं। अरे यार, हद है, मतलब सही बोलना ही गुना कर दिया बिल्कुल। अब सुन लीजिए आप, अगर कोई भी है, अगर मैं, अब भाई सरकार रहा 4 अगस्त को, सरकार था, जैसे सरकार रहा ये तो रहा नहीं कि सरकार चली गई। 4 अगस्त को मैं और रमेश गुप्ता हमारे प्रदेश के जो जो पहुंच पाए, तो 200 लोग गोरखपुर गए थे, और 5 अगस्त को योगी बाबा से मिले हम, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप गोंडा से आए हैं, आपका स्वागत है, आपका आप सबका तनख्वाह में बेनिफिट होगा, बढ़ाएंगे। इतना आश्वासन दिया। मैं था वहाँ, और रमेश गुप्ता हमारे मंडल अध्यक्ष थे, और बाल मुकुंद त्रिपाठी थे सिद्धार्थ नगर के, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 18 अगस्त को उन्होंने 47 करोड़ 88 लाख रुपए बढ़ाए। तो जब उन्होंने बढ़ाए तो चलो ठीक है, सरकार है, बजट ना होगा या किसी कारणवश या कोई बद, मान लीजिए मैंने 10.5 हजार का मांग पत्र किया था, तो जैसे हमारे साथ साथ ही और सभी तो लोग हैं, जैसे रोजगार सेवक हैं और आंगनबाड़ी हैं, रसोइया हैं, सहायिका हैं, कार्यकर्ती सब है, तो भाई अच्छा, अब एक बात बताओ, अब इतने शिक्षा सुन लीजिए, शिक्षा इतने लोग वेतन सरकार ने बढ़ा दिया, चौकीदारों का क्यों नहीं बढ़ाया? कोई ना कोई कारण रहा होगा। और जो ये बजट पास हुआ है, अगर फिर से ये बीजेपी सरकार बनेगी, हम तो अगर दिली इच्छा मेरी पूछी जाए तो मैं बीजेपी पे विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में बजट बढ़ाया गया। अगर दोबारा बीजेपी आ जाएगी तो उस बजट को लागू किया जा सकता है, हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो। ये लोगों को समझ जी आ नहीं रहा है। जी जी हो सकता है, लेकिन मैं एक छोटा मोटा कर्मचारी हूँ, चौकीदार हूँ, बिल्कुल ग्राम प्रधान हूँ। मैं किसी का इस समय आचार संहिता में किसी का मैं न विरोध कर सकता हूँ, न किसी का अच्छाई बोल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, सरकार वो चाहे किसी की बने बने, चौकीदारों को तो नौकर ही समझेगी ना सरकार। हमको नौकर ही समझेगी। हेलो हेलो, जैसे मैं अभी जाए, अखिलेश आ जाए, अखिलेश मान लीजिए आ जाए सरकार, अखिलेश की बन जाए, तो मैं भी उनसे भी झगड़ा करूंगा, क्योंकि बिल्कुल करना पड़ेगा। हमारे वो मालिक हैं। अगर
योगी जी आ जाएंगे वो भी हमारे मालिक हैं, उनसे भी झगड़ा करूंगा। बिल्कुल करना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, तो अधिकार के लिए हक मांगना पड़ेगा भैया। बिल्कुल तो ऐसा है, सुन लीजिए आप कि चाहे जो जितना बोले उसको आप बोलने दीजिए, आप हक की लड़ाई मांग रहे हैं ना कि आप किसी से। अब ये कसम नहीं हम नहीं देखे हैं ना, बता पाएंगे आपके लिए हम। आप कहीं भी प्रदेश में जिले में गए होंगे तो आपका आप चौकीदार का चाहे 10 रुपए का उसके दरवाजे पे या उसके बाजार में चाय पी लिए होंगे और एक पैसा नहीं लिए हैं, कसम खा सकते हैं आप। आप ये समझ लो भाई, यकीन नहीं मानोगे, आज तक मैं जितने लोगों के पास गया हूँ यकीन नहीं मानोगे, अपनी जेब से डीजल लगाया, अपनी जेब से पूरा खर्चा झेला रास्ते में, हमारे साथ में जितने लोग वहां झेले, एक जगह जरूर बिचारे किसी का जमीन का काम था, बहुत बेचारे परेशान थे तो वहां गए काम वाम कराने, वही हमें चलते समय बहुत जबरदस्ती दक्षिणा के रूप में उन्होंने जो भी दिया हमारे जेब में डाल दिया, बोले भैया आप इतनी दूर आए। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो हमने देखा लगभग उसमें 2,000-2,500 रुपए था, तो एक तरीके से उन्होंने हमको अपने प्यार मोहब्बत से आशीर्वाद हमें दिया, जबकि उनका लाखों का जमीन का मामला है। ठीक कि अब उन्होंने हमको समझा, उन्होंने चीजों को, हमने कोई मांगा नहीं है, अब वो भी हमारे चैनल पे जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े हैं, तो कहने का मतलब है उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार हमें सहयोग कर दिया जितना उससे हो पाए, लेकिन हमने अपनी जुबान से आज तक 1 रुपया ना तो मांगा है किसी, तो पहली बात मैं लेता नहीं बल्कि उल्टा 100, 50, 200, 500 खर्चा ही कर देता हूँ बाल बच्चों पे उनके। जी, लेकिन अब वही बात है ना कि अच्छाइयां बेकार, अभी अभी ये जैसे अभी हमने अभी बात बताई कि चलते समय 2,000-2,500 दे दिया, अब इसी में कुछ लोग और राजनीति करने लगे कि अन्नू त्रिपाठी पैसे के लिए जाता है। ये सब मादर चोर है जो बात करते हैं भोसड़ी वाले, इनकी माँ की चोर है। सुनो भैया वही बता रहा, सच बोलना ही गुना है भैया, यहाँ पर सही बोलो तो आदमी को लगता है कि नहीं हम तो यहाँ चूतिया बना रहे, हमसे बता रहे हैं कि तुम चौकीदारों को चूतिया बना रहे हो। अब बताइए चूतिया बनाया, सुन लीजिए आप किसी भोसड़ी वाले से 1 रुपया लिया है, कौन मादर चोर कह रहा है, सुन लीजिए आप। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, खुले शब्द में कहता हूँ, और जिस दिन मैं गोरखपुर रमेश गुप्ता गया था, रात भर गाड़ी चलाए हैं, गए हैं भैया रात भर गाड़ी चला के, 4:30 बजे रात को मंदिर पे पहुंचे हैं, 11 बजे रात को नवागुन से निकले थे, और फिर उधर से आए हैं मिलके, तो कहीं कहीं रास्ते में नींद आ रही थी, और भाई 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाना 300-400 किलोमीटर कम है, कहाँ कम है भाई हम जानते हैं, और वो मोटरसाइकिल, और भैया हम सब गरीब आदमी हैं, चौकीदार हैं, मोटरसाइकिल आप पैसन करो, और उसी बीच में हमारी एक्सीडेंट हो जाती है, रमेश गुप्ता मर जाते या हम मर जाते तो हमारे कोई घर आता चौकीदार, लेकिन ये भोसड़ी वाले जो घर बैठ के अपन माँ चुदा रहे हैं साले, कह रहे अरे देवरा योगी क्या कई झाड़ उखा लिया है। अरे ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इनको सुना, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा राम कुमार जी, पहले तो सरगना गिरोह को पकड़ने का आप लोग काम करिए जो ये चौकीदारों को बेवकूफ लगातार बना रहे हैं, और हमको बता रहे हैं मैं चूतिया बना रहा हूँ, ये लोग राजनीति करके ये जितना गरीब चौकीदार है, जितना दलित समाज है, उनको सबको ये बेवकूफ बनाने में लग गए। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए हमारे अनंत त्रिपाठी जी, और चाहे सपा की सरकार बने या भाजपा की बने या बीजेपी की बने या कांग्रेस की, हमारी सरकार जो बनेगी वही हमारी सरकार है, मैं किसी का वोट नहीं मांग रहा हूँ, ये मत है वोट है, आदमी स्वतंत्र है, जहाँ जिसका मन हो वहाँ वो दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, और उसके बाद में जो सरकार आएगी उससे मैं झगड़ा करूंगा, मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा आर पार, मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन सर नहीं झुका सकता हूँ प्रदेश में। नहीं झुकाना चाहिए भाई, क्यों झुकाओ, बस यही जान लीजिए आप, आप मत परेशान होइए, आप किसी के लिए आप अपना बिजनेस देख लीजिए मौके पे भैया। बिल्कुल मौके पे अगर आप कह रहे हैं कि हमारे हम तो देखे नहीं भाई, अगर आपको होटल है बहुत अच्छा है, हम कभी आएंगे लखनऊ तो जिंदा रहेंगे तो आपसे मिलेंगे, आपके यहाँ आएंगे अवश्य ही आएंगे, ठीक है भैया। बिल्कुल बिल्कुल आइए, मैं तो कहता ही रहता हूँ कि आप लोग कभी भी लखनऊ आइए, जरूर आइए हमारे पास, हम तो संभवतः जितना आपसे क्या बताएं, अब हम लोगों को कैसे सीना फाड़ के दिखाएं कि भाई हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि निस्वार्थ कर रहे हैं, लोग समझना ही नहीं चाहते। ये चूतिया है उनके भैया, सुनो हेलो, जैसे अब क्या बताई भाई, कह दे तो कुछ बहुत बेकार हुई, जैसे जेकर जितना सोच है वो कर उतने बुद्धि तो हुई, लेकिन कोई बात नहीं, सब लगे हैं, लगा रहने दो, जिसको जो करना है वो करे जाके,
बस हमें थोड़ा सा लगता है यार बेचारे ऐसे ऐसे लोग हैं, फोन करते हैं रोते हैं तो बड़ा तरस आता है कि बताओ यार इन लोगों के चक्कर में साला इनके गरीबों की हालत पतली कर दी इन लोगों ने। बताओ किसी के बच्चे हैं, शादी होनी है, किसी कुछ है, इन लोग को क्या है, ये तो लेबरी मजदूरी करके कमा ले। आप कोई हेलो बुजुर्ग हेलो हेलो